हमारे गांव में आजकल पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रखी है। गाइस हमारे रिखनी खाल में बहुत ही तेज हो रहा है, हमारे पूरे झड़ गए हैं। तो मौसम विभाग से हमारी गुजारिश है कि तूफान को रोक दिया जाए। हमारे बच्चों की संख्या भी अधिक हो रखी है, तो बच्चे उड़ने की भी पूरी संभावना। सो गाइस आज है 1 जून 2024 और बारिश तूफान आप लोग देख सकते हो बहुत तेज हमारे रिखनी खाल ब्लॉक में। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही तूफान हो रहा है या फिर ऐसी बारिश पड़ रही है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। 1 जून 2024। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। रिखनी खाल ब्लॉग से स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 6:30 बजे से। तो गाइज आज है 1 जून 2024। तो आज हमारे गाँव में बहुत तेज बारिश पड़ी एंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा तूफान हवा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारा हो गया है और गांव में भी एक नुकसान हो गया है। तो गांव के नुकसान के बारे में तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि गांव हमारे घर से मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं अपने नुकसान के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा आम का पेड़ आप लोग देख सकते हो, इसमें बहुत सारे आम आ रखे थे और नीचे देखो क्या हो गया है। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ आमों की तरफ। तो आम आप आमों की थुपड़ी आप लोग देख सकते हो और पेड़ में देखो क्या आम लगे हुए थे और नीचे आप लोग देख सकते हो गाइज पूरे झड़ गए हैं। अरे यार ये देखो, तो क्या फ़ायदा गाइज, यहाँ देखो इतने आम आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान यहाँ पे हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ देखो गाइज ओह माय गॉड। तो आप क्या खाएंगे आम गाइस आम के बदले में, यहाँ देखो। तो आपकी इधर भी हवा चलती है तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है और सारे आम हमारे झड़ चुके हैं। यहाँ देखो इतने बड़े बड़े आम थे और ये तो ना मतलब इसके अंदर अभी हड़ेली भी नहीं है जिससे हम अचार बना सके। तो गाइस ये देखो आम 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 पूरे आम आम हो गए हैं और अभी भी बहुत तेज मतलब बारिश पड़ने ही वाली है। और मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ बाहर आप लोगों के लिए ब्लॉग तैयार करने के लिए और आंधी तूफान का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अभी। यहाँ देखो क्या आम झड़ गए गाइस। तो किसी को चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं भिजवा दूँगी। ये आम सिर्फ चटनी लायक है, बाकी तो इससे कुछ नहीं किया जा सकता और ये मतलब पकाने लायक भी नहीं है। देखो वाह हो माई गॉड, और सारे फूट भी गए देखो। तो गैस क्या नुकसान हो गया हमारे आमों का, और इसमें तो कम ही थे देखो। तो गैस हमारे इधर ना बहुत तेज हवा चलती है, मतलब आम तो हम कभी भी नहीं खाते, हमेशा ऐसे झड़ जाते, आए हुए रहते बहुत सारे आम लेकिन वो झड़ जाते। तो मौसम आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखो अभी मतलब बहुत तेज हवा चल रही है और पूरा मौसम काला सा हो रखा है देखो, है ना। और ना हमारे गांव में जो हमारे एक साथ जी उनके चद्दर भी उड़ गए घर से, मतलब इतनी तेज़ हवा चली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अभी मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगी, आगे ही डाल दूंगी। तो ये ब्लॉग डालूंगी मैं कल 2 जून को, आज 1 जून है और टाइम हो रहा है 6:30 हो गया था अभी मतलब थोड़ी देर पहले, तो अभी पता नहीं कितना हुआ, अभी मैं टाइम देख रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारा हो गया है देखो, आम देख रहे हो आप लोग यहाँ देखो, और नीचे देखो गाइज अभी मैं जा रही हूँ घर और अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है और पानी की एक बूंद नहीं थी हमारे घर में, मतलब पीने के लिए था बाकी सारे ड्रम वगैरह खाली और रखे डिब्बे। तो हम जैसे पानी लेने के लिए जा रहे थे वैसे बारिश पड़ गई बहुत तेज की, इसलिए हम घर आ गए। तो गाइज वैसे तो हम बारिश का वेट कर ही रहे थे लेकिन इतना वेट भी नहीं कर रहे थे कि ऐसे आंधी तूफान के साथ बारिश आए, हम जाते थे कि बारिश पड़ जाए तो थोड़ा पानी हो जाएगा। तो पानी के डिब्बे यहाँ देखो पूरे हमारे खाली और रखे, अंदर के भी बाहर के भी ड्रम देखो बिल्कुल खाली हो रखा है, कपड़े धोने वाला ड्रम भी और बाथरूम का ड्रम उधर साइड में वहाँ पे देख सकते हो अभी बिल्कुल खाली हो रखा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो तीन नंदा लोग चले गए हैं पानी लेने के लिए, जिसकी वजह से है कि हमारे गांव में आजकल पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है। तो पानी तो आने रहना लोग पे, तो वो वहीं चले गए दूर मतलब जहाँ पे धारा है हमारा। तो अभी मैं दूध निकालने की तैयारी कर रही हूँ, तो हाथों में रोटी और गुड़ रखा है गाय के लिए, ये मेरा डिब्बा। तो यहाँ रहती है हमारी गाय यहाँ अंदर, तो मैं थोड़ा दूध निकाल लेती हूँ पहले, है ना।
कालू 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 कालू, ये दूध भी मैंने निकाल दिया है और ये हमारी खाई कालू ने देखी। कालू कालू जी और इसकी बाछी बाछी तो हमारी छोटी छोटी गाय है। दो ये मेरा दूध का डिब्बा और ये। तो गाइस कल मैं अपना व्लॉग एंड कर नहीं पाई और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरी हो रही है नाश्ता बनने की तैयारी। तुम तो नाश्ता बन ही रहा है मेरा। इसमें मैंने सब्जी रखी हुई है और अभी मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। तो घर वाले मेरे पानी लेने गए मेरे स्वामी जी और सबके सब, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। बाकी तो कुछ नहीं, तो कल हमारे सारे आम झड़ गए। तो गाइस आज हमें कहीं जाना है फिर से घूमने के लिए। घूमने नहीं मतलब आज मैं जा रही हूँ कहीं रिश्तेदारी में। तो आज का ब्लॉग मतलब मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँगी बाद में, अभी नहीं थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना। और आज मैं आप लोगों को किसी रिश्तेदार से मिलवाती हूँ। तो शादी के बाद मैं एक भी बार नहीं गई हूँ उनके घर पर। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। तो फटाफट से पहले मैं नाश्ता पानी कर लेती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि नेट बहुत कम है और चल भी नहीं रहा है। तो ज़्यादा लंबे लंबे ब्लॉग नहीं बन रहे, मतलब मैं बना ही नहीं रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग ही डालूँगी। तो यहाँ देखो, तो ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।